राजकुमार जी शर्मा आ रहे हैं उनके लिए आप स्थान आने के लिए आगे, आगे। राजकुमार मेरे भाई, जय हो जय हो जय हो जी। ये जोड़ी राजस्थान में कमाल करेगी, कमाल करेगी, कमाल करेगी, कमाल करेगी, धमाल करेगी, धमाल। हमारे कैंपेन कमेटी के हीरो राजकुमार जी का तालियां बजा करके सिर। अब मैं साथियों से आग्रह करूं, जिनको जहां जगह मिल रही है वो अब मैं सीधा ही माइक मेरा हाथ में ले लिया भाई, और सीधा ही ले लियो है। ये भाई साहब ने खुदड़ो साहब मन फिरा दिया, पगड़ी बदल भाई बना लिए है। पगड़ी बदल भाई, भाई तो पहले से ही थे, लेकिन ये हमारी परंपरा है, पगड़ी बदल भाई है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज के इस शानदार और जानदार समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय प्रसादी लाल मीणा जी, आज के इस कार्यक्रम के हीरो और लक्ष्मणगढ़ के हीरो और अब तो पूरे राजस्थान के हीरो। राजस्थान के हीरो इसलिए कहना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ की धरती का एक लाडला जो एक छोटी सी डाणी का माँ जन्म लियो और उस कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे प्रदेशाध्यक्ष दिए, आज वो बागडोर लक्ष्मण के लाडले श्री गोविंद जी डोटासरा के हाथ में है। ऐसे मेरे बड़े भाई और यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे फतेहपुर के लोकप्रिय विधायक मेरे भाई जनाब हाकिम अली जी, हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री महेंद्र गहलोत जी, यहाँ के लोकप्रिय चेयरमैन भाई मुस्तफा जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रधान आदरणीय मदन सेवदा जी। अब तो बोलोगा कि मन नाम सबको किया मेरा है कि लक्ष्मणगढ़ नवलगढ़ का माय एक रेल की पटरी को भरे का सिर्फ, और कम से कम मंत्री महोदय 25 पंचायतें ऐसी हैं जो हमारे नवलगढ़ से नाता है लक्ष्मणगढ़ का, और उसी हक से आज मैं यहाँ पे आया हूं। मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुले बुजुर्गों, माता बहनों, हर दिल अजीज नौजवान दोस्तों और पत्रकार साथियों, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आदरणीय गोविंद जी भाई साहब का हमेशा से स्नेह और आशीर्वाद मिला मेरे बड़े भाई के रूप में। आज काफी कार्यक्रम है नवलगढ़ में, लेकिन मैंने कहा भाई साहब मैं जरूर हाजिरी दूंगा लक्ष्मणगढ़ की जनता के बीच में आके, और मुझे वहां से मेन हाईवे से यहां तक आने में 20 मिनट लग गए। ये सिर्फ इतने जितने लोग यहां हैं, 20 ज्यादा तो 12 खड़े हैं, आप जाके देख लो, पता करवा लो बाहर हैं। और ये परिवर्तन परिवर्तन की यात्रा की चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जनता ने उनकी फाइल बंद कर दी है, और बंद इसलिए कर दी है, बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी का कोई प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। गोविंद जी भाई साहब इतने सारे काम आपने करा दिए लक्ष्मणगढ़ में, और उसके बाद में भी कोई आंखों से जिसको नहीं दिखता है उसको तो दिखाया भी जा सकता है, उसको तो पढ़ाया भी जा सकता है, बताया भी जा सकता है, लेकिन जो ईड़ा को अंधो है बिन तो बताने की पांच कोई आवश्यकता को नहीं। अगर कोई लक्ष्मणगढ़ में नवलगढ़ में आके कहे कि मुझे सड़क नहीं दिख रही, तो वो तो ईड़ा को अंधो उसके है। आज परिवर्तन यात्रा का समापन कर दिया जनता ने पूरे राजस्थान में, वो इसलिए कर दिया कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। मुझे आज याद है जब मैं चिकित्सा मंत्री था पिछली सरकार के अंदर गहलोत जी के समय,
उस समय मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना लेके आए, सपने में कोई नहीं सोचा कोई कि सरकारी अस्पताल में जाऊंगा और बटे जांचा और इलाज फ्री हुआ। और आज वो बढ़ता 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 प्रसादी लाल मीणा जी और मुख्यमंत्री जी ने 25-25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना लागू कर दी। पूछो उस आदमी से, पूछो उस परिवार से, अपने माता पिता का इलाज कराने के लिए बेटे को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, ब्याज पे पैसे लाने पड़ते थे, माता पिता को अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, ब्याज पे पैसे लाने पड़ते थे। उस परिवार को अगर 25 लाख रुपए का फायदा मिल रहा है तो सोचो कितनी दुआएं दे रहा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं डोटासरा साहब आपके लिए कि फालूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फालूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और आप लोग जनता जनार्दन है, मन कोई मजाक में करे हो कि गोविंद जी डोटासरा एक भी चूरू को लेते हैं बिन क्यों टारगेट करे बार बार मुको भाई साहब ने मैं समझा छो क्या क्या टारगेट कर रहे हो। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकूं एक भी बार चूरू का मां भी की फाइल सलटेगी और इसलिए सलटेगी कि जो आदमी शेखावाटी पूरे तीनों जिलों का कह के दिल्ली में जाके कहते तीनों जिलों की सीटें सारी की सारी मैं बीजेपी में डलवाऊंगा, तू डलवाओगे भाई? अरे आप डलवाओगे? भूल गए क्या उनका राज? सरेआम उनकी गुंडागर्दी राजस्थान की जनता जानती है। और तीन दिन से जो सर्वे आए हैं, सर्वे के बाद गमाया बीजेपी लगे जाग आ गए मुंडा गमाए। और महाराज का पूर्व चेयरमैन है, बाकी चिंता मत करो, मैं बोला आदमी है दिनेश जी भाई साहब, मैं बोला आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, दिल का साफ है। जब मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मणगढ़ और नवलगढ़ एक है तो एक दूसरे की मदद तो हम सब करेंगे करेंगे ना। और मदद किसके लिए? देखो मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मैं मेरे नवलगढ़ की जनता को भी कहता हूं, कौन ऐसा माता पिता है जिसको आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री नहीं चाहिए? कौन ऐसे सास ससुर हैं जिसको आज्ञाकारी बहू नहीं चाहिए? कौन ऐसा गुरु है जिसको आज्ञाकारी शिष्य नहीं चाहिए? तो कौन ऐसे जनता का कोई आदमी है जिसको आज्ञाकारी काम करने वाला सेवा करने वाला हसमुख जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए? अब थप्पी तो चाहते हैं, ये थप्पी आपने दिए गोविंद जी भाई साहब को, एहसान किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप लोगों ने, हजारों हजारों की संख्या में आके। लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र के अंदर सिर गिनाने की आवश्यकता है, जो आप सिर गिना रहे हो आप लोग। और थप्पी इसलिए भी चाहिए, घर में कोई बिनड़िया हुए अरबा बढ़िया रोटी सब्जी बना के गालेर सासू थप्पी दे देना कि मेरी बहू बहुत चौकी है, दूसरे दिन परवल की सब्जी खुआ भी नहीं। अरिया कह देना कि क्या चौकी को नहीं तो दूसरे दिन चाय तो पी के बता दे। तारीफ तो चाहिए, थप्पी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। लगातार हैट्रिक बनाई है, आज कह रहा हूं लक्ष्मणगढ़ में चौथी बार डोटासरा जी जीतेंगे और राजस्थान में चौथी बार अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी। और वो इसलिए बनेगी कि आने वाले वक्त के अंदर लोग कह देंगे कि काम सुई कोई जीत तो राजकुमार डोटासरा और अशोक गहलोत जीत जाए तो मैं क्यों काम करा। ऐसी गलती राजस्थान की जनता नहीं करेगी। राजस्थान की जनता चाहेगी जो योजनाएं कांग्रेस सरकार लेके आई है उनको अगली बार और बढ़ोतरी करे। ओपीएस से कर्मचारी वर्ग कर्मचारी परिवार बहुत खुश है, उनको सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ओपीएस का विरोध कर रहा है तो ये बीजेपी सरकार कर रही है, बीजेपी पार्टी कर रही है, इसलिए इन योजनाओं को चालू रखना है। इन लोगों से सावधान रहो। अरे फौज के अंदर भी ऐसा बदलाव कर दिया, कम से कम फौज को तो छोड़ दे। बड़ी तकलीफ होती है जब आज के ये नेता कहते हैं बीजेपी वाले कि अब हिंदुस्तान ताकतवर हुआ है। अरे भाई
हिंदुस्तान तो उस समय से ताकतवर है जब अंग्रेजों को यहां से लात मार के हिंदुस्तान से खदेड़ दिया गया था। अरे हिंदुस्तान तो उस समय से मजबूत है जो राज्य हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। ये हिंदुस्तान तो हमेशा से ही ताकतवर था। 5 शहीद हो गए 5 दिन पहले हमारे ऑफिसर। एक दिन मीडिया में खबर चली भी का बात कमाए बंद करवा दी खबर ने। और कांग्रेस का राज कमाए अगर इया को कोई मामलो हो जाए तो ए लोग एक महीना तक मांगा परिवार कार बड़े जा जाके मीडिया वाले कहता थे जाओ थे छपाओ इन्हें लगाओ इन्हें आगे स्वागत लगाओ। उस सेना को इन्होंने चुनौती दी है अग्निवीर बना के छोड़ दिया टाबरा ने। अरे फौज के अंदर तो पैसों के लिए नहीं जाता हमारा बच्चा, वो इसलिए जाता है कि मुझे हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है, मैं सेना के अंदर जाना चाहता हूं। ये वीर धरा हमारी शेखावाटी की और हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस वीर धरा के अंदर हमने जन्म लिया। और यहां से हमारे सैनिक जब हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर जाते हैं देश की रक्षा के लिए तो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं फौजी हूं। उसको अग्निवीर बना दिया, 4 साल के अंदर उसको वापस घर भेजने की तैयारी कर दी इन्होंने। क्या वो देश के प्रति उतना डेडिकेशन दिखा पाएगा? आप खुद सोचिए, अगर आज बेरो पड़ जाए कि 4 साल के लिए ही वो काम हुए है, वो कर्मचारी 4 साल के लिए लागू है, वो 4 साल टाइम ही पास करेगा, वो बस श्रद्धा सुभावना से काम को लेकर सके। किसानों की बात करते हैं लोग, अरे जिन्होंने 700 किसानों की हत्या कर दी, इनके मुंह से किसान हित की बात करना शोभा नहीं देता। इनका एक कैबिनेट मंत्री भाजपा का केंद्र सरकार का एक जुलूस जा रहा था किसानों का और उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के 8 मासूम किसानों की हत्या कर दी, उसके बाद में भी वो कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। इससे बड़ा इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में क्या मजाक होगा? दोस्तों मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों और युवा साथियों, आपसे इतना ही कहूंगा कि यह संविधान विरोधी पार्टी है भाजपा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था अपने खून पसीने से, उसको भी ये लोग चुनौती देने लगे हैं। पता नहीं आगे जाके हमारे इस देश का क्या होने वाला है, इसलिए सतर्क हो जाओ। और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ी नहीं, पड़ोस के अंदर फतेहपुर, पड़ोस में सीकर, पड़ोस में इधर नागौर में, नवलगढ़ में, जहां जहां भी अपने रिश्तेदारियां हैं उन सबको बोलो कि लगातार मौका दो। अगले 5 साल में उसके परिणाम अगर 100 गुना नहीं मिले तो मैं खुद कह सकता हूं इस बात को 100% सकारात्मक मिलेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार गोविंद जी डोटासरा जी के लिए एक निवेदन करना चाहूंगा, इनके हौसले को देखो भाई। मारे मनमोज की बात में बोलते हैं बुरो तो कदे मन मान जो, और कत्ता थाने चावी ए थाने सबकी आत्मा जाने है। मेरे हिसाब से 1500 से 2000 करोड़ रुपया वो काम तो दे करा दिया मल्ला गए डेंगे 2000 करोड़ के ऊपर का। और आजादी के बाद का इतिहास सुन लो, ये स्टेडियम सबसे बड़ा होता जनता का राज। मैं गिनाबा लागू को जना मन पूरा भाषण मेरे उजागो, इसलिए अंतिम ये 4 लाइन बोल के मैं भाई साहब के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा। ये चुनाव गोविंद डोटासरा जी का नहीं है, ये चुनाव आप सबका है। ये चुनाव अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़े हैं हमारे अपने, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, ये चुनाव आप सब लोगों का है। अब 3 महीने गोविंद जी भाई साहब को आप संभालना और इनको पूरे राजस्थान संभालने देना, पूरे राजस्थान संभालने देना। और ये 4 भाई साहब को समर्पित है लाइन कि हम पैर जमीन पर ही रखे हमेशा, कदे हमको नहीं उड़ेंगे। हम पैर जमीन पर, नजरे आसमान पर रखते हैं, उन हवाओं से तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरा निवेदन, विनम्र निवेदन, सर झुका के कह रहा हूं भाई साहब को इतने ज्यादा मतों से जिताना कि आने वाले वक्त के अंदर कोई चुनाव लड़ने से 10 बार सोचे
कि जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।